भी ब्लॉग, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैंने लगाई है मेहंदी करवा चौथ की, देखो कैसी लग रही है। आप लोग सोचो कि इतनी जल्दी क्यों लगा ली मैंने, क्योंकि अभी करवा चौथ को 2 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन, तो मैंने पहले लगवा ली क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा रश हो जाएगा और फिर ज्यादा मतलब हाई फाई रेट भी हो जाते हैं और रश भी बहुत हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले लगवा ली है। 2 रीज़न थे, एक तो कि उस दिन ज़्यादा पैसे मांगते हैं और सेकंड ये था कि उस दिन बहुत रश भी होता है, बहुत वेट करना पड़ता है हमें अपना नंबर लेने के लिए, इसलिए मैंने पहले लगवा ली। आप बताइए आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी? ये मेरे सुहाग की मेहंदी है, देखो कितने सुंदर लग रही है, देखो बैक में भी देखो मैंने बेल डिजाइन कराया था, है ना। अब याद आ रहा है मैंने अंगूठी पहनी थी, हाँ मैंने शायद उनको पकड़ाई है, जब से मैंने ली भी नहीं है। देखो मेरा ध्यान, अभी मैं आपको ऐसे हाथ दिखा रही हूँ ना, तो मुझे ध्यान आया कि मैंने मुंदरी पहन रखी थी, मतलब अंगूठी पहन रखी थी, पता नहीं कहाँ है वो, शायद उनके पास है। तो बताएं आपको मेरी मेहंदी कैसे लगी, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, मैसेज ड्रॉप कर देना और मुझे बताना कि मेरी मेहंदी कैसे लगी। और इसको मैं अभी डार्क करने के लिए इसको धोऊंगी नहीं, मॉर्निंग तक नहीं धोऊंगी, मतलब इसको सिर्फ ऐसे ऐसे करके, अगर वो ये झड़ रही है, वैसे तो सूखना शुरू हो गई है, तो मैं इसके ऊपर विक्स लगा दूंगी। आप लोग भी यही ट्राई करना, कईयों को पता है कईयों को नहीं भी पता, तो जिनको नहीं पता मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ। मेहंदी में अच्छा रंग लाने के लिए मेहंदी को धोना नहीं होता, धोते नहीं है, तो इस पर जो है ना वो लगाते हैं विक्स, जैसे ही सूख जाएगी ना इसको मैं झाड़ के उतार दूंगी, तो फिर इसके बाद मैं इसको विक्स लगा लूंगी और सुबह ही मैं इसको वॉश करूंगी सिंपल वाटर से, तो अच्छी लग रही है। और इसमें मैंने अपने हबी का नाम छुपो रखा है, ठीक है, लिखा हुआ मैंने, वो आपको लोगों को नहीं दिखेगा, किसी को भी नहीं दिखेगा। देखो अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा है मेरे हबी का नाम तो मुझे बताओ, किसी को भी पता चल रहा है तो। मेरे हबी का नाम पुनीत है, पुनीत, उनका नाम ऐसे लेती नहीं हूँ, बहुत कम बताना पड़ता है तो ही लेती हूँ, तो उनका नाम पुनीत है। तो बताओ इसमें आपको कहीं पे भी मेरे हस्बैंड का नाम दिख रहा है तो, नहीं दिखेगा आप लोगों को, उनको कहूंगी ढूंढने के लिए। तो गाइस बताना कमेंट सेक्शन में प्लीज, लगा कौन कौन ने मेहंदी लगाई है और किसने मेरी तरह पहले ही लगवा ली है, क्योंकि कई लोगों ने लगा रखी थी, मार्केट में बहुत ज्यादा अभी भी भीड़ थी, जबकि अभी करवा चौथ को रह गया 2-3 दिन, पर मार्केट में भी बहुत रास्ता मेहंदी को लेकर भी था। तो वो भी मैं जल्दी से लगवा के आ गई, रात के बज रहे हैं 10 और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, तो बस अभी सूख जाएगा तो उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। हो गया मेरा तो बस, अब ये है कि ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ, अभी फिलहाल नहीं कर सकती हूँ, उतर जाएगा तो करूँगी, क्योंकि मेरे बाल मुझे परेशान कर रहे हैं, पर मैं इसको पीछे नहीं कर सकती हूँ। मार्केट से आते सार मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ, मैंने अभी तक वो भी नहीं किया, सेट सुट भी नहीं किए बाल, बस ऐसे ही बैठ गई। अच्छी लग रही है ना मेरी मेहंदी, प्लीज बताना बताना। और सभी को सभी मिली जिसको हैप्पी करवा चौथ, बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो ये देखिए मेरा मॉर्निंग का जो रिजल्ट आया मेहंदी का, ये देखिए मैंने अभी वॉश किया है, मैंने नाइट में नहीं किया था, एंड ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, अभी तो ये और डार्क होएगा। गाइस जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।